देखिए, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, अन्य देशों की स्थिति को देखते हुए एक कंसीडर्ड, एक समझ सोच समझ के एक निर्णय लिया। ये सब जानते हुए कि लॉकडाउन से कहीं भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, स्वास्थ्य के महाशय में, कोरोना वायरस की बीमारी में, संक्रमण में फ़ायदा हो जाएगा, और वित्तीय और अधिक आर्थिक हानि का नुकसान को दोनों को बैलेंस करते हुए एक निश्चित रूप से उन्होंने एक कंसीडर्ड और एक सोची समझ के अंतर्गत ये निर्णय लिया लॉकडाउन करने का, जिसे एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक मेरा मानना है कि यह निर्णय पूर्णतः सही है और बिल्कुल ठीक है। भारत की स्थिति देखते हुए ऐसे निर्णय लेना बिल्कुल स्वाभाविक था और ये सामयिक था, बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया भी गया और इसमें कोई त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इसे त्रुटि की निगाह से देखना भी चाहते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि धन आर्थिक व्यवसाय को ना देखें इस समय, मनुष्य, समाज और देश की जानों को तब देखें, देश की तरफ एक बहुत बड़ा लोड आ सकता था बीमारी का, उससे बचने का रास्ता सोच के इसको सोचें। जान है तो जहान है, हम जीवित हैं तो सब कुछ है, जीवित ही नहीं है प्राणी कोई तो उसके पर बात कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए लॉकडाउन का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है, मेरी निगाह में, मेरे विचार में ये बिल्कुल उपयुक्त और बहुत सामयिक है, बिल्कुल सही समय पर इसे लिया गया, और अगर इसमें डिले करते तो शायद पूरा फायदा इससे नहीं मिल पाता। देखिए, जैसा कि ये संक्रमण जो वायरस है, ये बहुत ही तेज मल्टीप्लाई करने वाला वायरस है और इसका मनुष्य से मनुष्य तक ही संक्रमण बढ़ता है, ये जानवर से ये किसी हव नहीं आ रहा। पहले कुछ रिपोर्टें आती थी कि ये सांस से नहीं आएगा, ये हवा से नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो ये भी कह रही है कि ड्रॉपलेट से हवा में भी रह सकता है। इसके मद्देनज़र देखते हुए लॉकडाउन जो हुआ, जो सरकार बार बार कह रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए, वो बिल्कुल उपयुक्त है। अब ये भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विविधता बहुत है, विभिन्नता बहुत है, लोगों के सोच समझ भी बहुत फ़र्क है, पढ़ाई का लेवल भी फ़र्क है, और बहुत अधिकांश जनता हमारी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, जिसके बारे में ज्ञान देना, ज्ञान प्राप्त करना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही कष्टदायक चीज़ें हैं। तो ऐसे में इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तक की मेरी बात ये कहना है कि ये बीमारी बहुत भयानक है, बहुत भयावह है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के जो कदम हैं, जो सरकार ने एक्टिव होकर आगे बढ़ के इसमें कदम बढ़ाए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीमारी सफल नहीं होगी, इस जंग में भारतीय सफल होंगे बजाय बीमारी को सफल नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत ही सामयिक और बहुत प्रासंगिक बात आपने पूछी। देखिए, वायरस क्या होता है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते ठीक से, सब लोग कॉमन। वायरस एक छोटा सा प्रोटीन का टुकड़ा है जिसको चारों तरफ से एक वसा की कवर, वसा का कवच उसको घेरे रहता है। इसमें से अगर वसा हट जाएगी तो प्रोटीन अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जितने भी हमारे साबुन हैं, जितने डिटर्जेंट हैं, उन सब वो क्या करते हैं, फैट को डिसॉल्व कर लेते हैं। कोई भी साधारण साबुन हो वो भी फैट को डिसॉल्व कर देता है। तो जैसे ही आप इस वायरस की, जहाँ जहाँ डर है कि इस जगह पर वायरस बैठा हो सकता है, मौजूद सकता है, तो उसको जो है पहले साफ़ करना, साबुन से धोना बहुत उपयुक्त है। इसीलिए जब भी किसी से मिले, किसी नई जगह पर जाएं, कहीं सोफे पर हाथ रखें, किसी किताब को पकड़ें, किसी फाइल को पकड़ें, किसी दरवाजे को देखें, या लिफ्ट के बटन दबाएं, या दरवाजे का हैंडल खोल रहे हों, तो उन सब जगहों पर वायरस के होने की संभावना हो सकती है। तो उस संभावना को बीमारी में कन्वर्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम हाथ को साबुन से बार बार धोते रहेंगे, और जब साबुन जो है हाथ पे लगाने के बाद कुछ क्षण, कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड हाथ पे लगा रहे, ताकि कोई भी वायरस है उसको हम तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकें, पहला तो ये है। दूसरा ये कि जो एक बात कही जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसका कारण क्या है कि आदमी खांसते समय, छींकते समय, खकराते हुए अपने मुँह से कुछ श्वास निकालता है, उस श्वास के साथ ये उम्मीद ये की जाती है कि वायरस का ड्रॉपलेट भी आगे जा सकता है। सामान्यतः खांसने से, छींकने से जो वायरस का एक्सोडस होगा, जो वायरस बाहरी से बाहर निकलेगा, वो 6 फुट की परिधि के बाहर नहीं जा पाता। इसीलिए आप लोग से सबसे प्रार्थना की जाती है, जनता साधारण से भी, कि वे आपस में एक दूरी 6 फुट की बनाए रखें उस आदमी से जो अजनबी, जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक आदमी जो आपके साथ बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, वो देखने में सामान्य, साधारण और सेहतमंद दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो हो सकता है कि कैरियर हो,
उसकी शर्ट पे, उसके बटन पे, उसके मोबाइल पे, उसके हाथ की फाइल पे, उसके बैग पे, उसके लैपटॉप में, उसकी छतरी में, उसकी छड़ी में वायरस हो सकता है बैठा हुआ। उस व्यक्ति विशेष को भी नहीं पता है कि मैं वायरस को लेकर घूम रहा हूँ, कैरियर हूँ मैं उसका, और उससे ये बीमारी, उससे ये जीवाणु, उससे ये वायरस आपके मेरे पास आ सकता है। इसलिए ये काम जो सरकार बार बार कह रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि घरों में रहिए और घरों से ज़्यादा बाहर मत निकलिए, ताकि अगर आप भीड़ में जाते हैं तो भीड़ में 10 15 20 50 आदमी हैं, उनमें से अगर एक भी आकर संक्रमित है, उसको बीमारी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर उसके पास वायरस का लोड है तो उन सभी 50 को वायरस दे सकता है, वो सभी में वायरस को बांट सकता है, बगैर ये जाने हुए, बगैर उसकी कोई दुर्भावना होते हुए। अगर उस व्यक्ति विशेष को मालूम पड़ जाए कि भाई उसको कोरोना वायरस वाला इन्फेक्शन है, तो संभवतः वो भीड़ में, मजलिस में, सभागार में खुद ही नहीं आएगा, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता है और वो आ जाता है ऐसी जगह पे, तो वो सब 50 के 50 लोगों को नुकसान कर सकता है। और ये 50 लोग मान लिया, अगर 50-50 लोगों से और मिलते हैं एक दिन में, 2-3 दिन में, तो ये और बड़े भयावह रूप से बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, बहुत बड़े समाज को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम 6 से 7 फुट का गैप मेंटेन करें, हाथों को बार बार धोते रहें, यदि किसी नई जगह को अपने हाथ से छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि वो संक्रमित ना हो, क्योंकि हम जो जांच नहीं कर सकते, कोई माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ेगा, हैंडलाइन से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऐसी जगह जिसको बार बार छुआ जा रहा है उसको सैनिटाइजर से साफ़ किया जाए या साबुन के पानी से साफ़ किया जाए, जो सुविधाजनक हो। ये मत सोचिए पहले कंसेप्ट था कि तो लोहे का हैंडल है, स्टील का हैंडल है या ब्रास का हैंडल है, इस पे वायरस नहीं बैठेगा। ये वायरस और वायरसों से फ़र्क है, अन्य वायरस जो हैं कुछ मिनट में या घंटे में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन ये वायरस ऐसा घातक है, ऐसा इसका मेटामॉर्फोसिस हो चुका है कि ये जो मेटल की सरफेस है उस पर कई कई घंटे और कई दिन तक रह सकता है। क्योंकि ये नई बीमारी है, ये नई चीज़ है, इसके बारे में अन्वेषण चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, तो अभी एक सिद्ध रूप से नहीं कह सकते कि कितने दिन तक ये वायरस इस सतह पे बैठा रह सकता है। अंदाज़ा ये है कि शायद 3 से 9 दिन तक ये वायरस मेटल की सरफेस पे रह सकता है, कार्डबोर्ड पे रह सकता है, कपड़ों पे रह सकता है। इसीलिए बार बार हिदायत दी जाती है कि ऐसा करें, अगर बाहर से आए हुए ये सड़क पे भी रह सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जूते या चप्पल या खड़ाऊँ या जो भी आप सैंडल पहन रहे हैं उसे कृपा करके घर से बाहर ना लाएं। जो वस्त्र आपने इस्तेमाल किए हैं, ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ संक्रमण होने का भय है, तो उन वस्त्रों को तुरंत धोने में डाल दें, और धोने के बाद उनको धूप में अगर फैला देंगे तो उसमें वायरस ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये साबुन से जब धोएंगे तो वायरस को वो साबुन ख़त्म कर देगा। देखिए, यदि मास्क आप अपने पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मास्क जो स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन आई है वो मास्क है N95, जिसमें मल्टी लेयर है और उसमें कुछ गैप है। वो मास्क अभी आपको दिखाता भी हूँ मैं। उस मास्क की खासियत ये है कि उसमें स्मॉल पोर्स हैं, उससे वायरस नहीं जा सकता। अगर मास्क नहीं भी है तो आप अपने रुमाल में एक टिश्यू पेपर लगा के, टिश्यू पेपर के 2-3 लेयर लगा के उस रुमाल को मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आदमी अपने ही मास्क को कई दिन तक इस्तेमाल कर सकता है, उसे धो के दोबारा सुखा के प्रेस करके, आयरनिंग करके, ताकि अगर कोई वायरस है उसे वो ख़त्म हो जाए तो अपने। लेकिन ए व्यक्ति का वायरस बी व्यक्ति नहीं, मास्क बी व्यक्ति नहीं इस्तेमाल करे, बी का जैसे आप अपने टूथब्रश नहीं इस्तेमाल करते हैं, दूसरे का पत्नी का टूथब्रश भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार मास्क भी निजी है, इसको दूसरे को इस्तेमाल करने को ना दें। और जब मास्क पुराना हो जाए तो डस्टबिन में डाल के उसे जला दें और नया मास्क पहन लें, वो बेहतर रहेगा।